हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे सेबी के बारे में। व्हाट्स अबाउट सेबी? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज किए जाते हैं, तो उनका फर्स्टली अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नाम आता है तो सबसे पहले हम सेबी की बात करते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हम सेबी के बारे में बता रहे हैं आपको। तो सेबी जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऐसी एक मार्केट जहाँ पर इंडिया की वो मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज क्या की जा रही हैं, एक्सचेंज की जा रही है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, वो आती है सेबी। ओके, तो बात करते हैं सेबी है क्या। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट्स। जो किस लिए बनाई गई है? इंडिया की जितनी जो भी कैपिटल मार्केट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, राइट? किस लिए बनाई गई है? इंडिया की कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट, ये मॉनिटर करती है यानी इवेल्युएट करती है हमारी सिक्योरिटी मार्केट को, और उसके लिए मेन रूल्स और रेगुलेशंस क्या करती है? तैयार करती है। And protect the interest of investors by enforcing certain rules and regulations. यानी हमारे जो investors हैं, जो हमारे businesses में या हमारी country में investment करना चाहते हैं, उनको एक safeguard provide करती है कि अगर वो investment करेंगे तो उनको इससे किसी भी तरीके का कोई risk नहीं होगा। Okay, तो अब हमने सेबी की बात की है, तो सेबी कब start हुई थी? सेबी was founded on April 12 को इसको start किया गया था under 1992. 12 अप्रैल 1992 में सेबी फॉर्म हुई थी। देन अंडर द सेबी एक्ट 1992 हेडक्वार्टर्स इन मुंबई इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इंडिया में जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। सेबी हैज़ रीजनल ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद। सेबी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं वो बहुत सारी सिटीज़ में हैं। ये सिटीज़ आपकी न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद अलॉन्ग विद अदर लोकल रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस प्रोमिनेंट सिटीज़ इन इंडिया। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर सेबी के रजिस्टर्ड ऑफिस आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेबी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके, तो नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं कि सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव ये रहता है टू एंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट्स वर्क इन सिस्टमैटिक मैनर। तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी इंडिया की कैपिटल मार्केट्स हैं, जो भी इंडिया की स्टॉक मार्केट्स हैं, वो सही तरीके से वर्क करें, एक प्रॉपर मैनर में काम करें, राइट? प्रोवाइड इन्वेस्टर्स इन ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स को वही ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट वाली बात हुई कि उनको एक नज़रिया दे देती है सामने देखने के लिए कि अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही जगह कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेबी है क्या, अबाउट सेबी पढ़ते हैं। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी विद रिगार्ड्स टू द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। सिक्योरिटी मार्केट के सबसे पहली बॉडी में जिसका नाम आता है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसमें क्या है, सेबी जो फॉर्म हुई थी वो मेनली सबसे पहले 1988 में फॉर्म हुई थी, लेकिन इसका जो आगे चेंजेस आए इसमें वो 1992 तक आए। उसके बाद अगर बात की जाए कि सेबी में क्या क्या हुआ आगे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसके लिए जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सेबी का ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या वो सही तरीके से वर्कआउट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन उनको प्रोवाइड करने का काम किसका था? सेबी का था। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है सेबी का, इसके बारे में बात करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ सेबी आर कैरिड आउट बाय बोर्ड ऑफ 9 मेंबर्स। जो सेबी के फंक्शंस किए जाते हैं, जो सेबी में काम चलता है, वो किसके थ्रू? 9 मेंबर्स सेबी में है, इन्वॉल्व 1 चेयरमैन एंड 8 मेंबर्स, जिसमें कि एक चेयरमैन है और एक 8 मेंबर्स हैं। द चेयरमैन ऑफ सेबी इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेबी के चेयरमैन हैं उनको किसने नॉमिनेट किया हुआ है? वो नॉमिनेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 मेंबर्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किया है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 1 मेंबर ऑफ द सेबी टू द सेबी बोर्ड। सेबी बोर्ड में एक मेंबर रिजर्व बैंक के थ्रू नॉमिनेटेड है। रेस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, 3 देम मस्ट ऑफ फिल टाइम, आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ 5 जो भी बचे हुए 5 लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? नॉमिनेट किया हुआ है। ओके, द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी इज मिस्टर अजय त्यागी। जो सेबी है उसके जो करंट चेयरमैन है राइट नाउ वो जो है अजय त्यागी हैं। फंक्शंस क्या हैं सेबी के? फंक्शंस इसमें अगर बात करते हैं तो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाते हैं। क्या क्या काम होते हैं सेबी के?
कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, हमें प्रोहिबिट करती है कि हम किसी भी तरीके की गलत इन्वेस्टमेंट ना करें. दूसरा, हमें प्रोटेक्ट करती है. बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें सेबी हमें क्या कर देती है, प्रोटेक्ट करती है, हमें बताती है कि हमें इस जगह पैसा लगाना है और इस जगह हमें इन्वेस्ट नहीं करना है. दूसरा, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, हमेशा ये सोचकर चलती है कि अगर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्टली, अगर बात की जाए तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो मैंने आपको भी बताया कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस क्या करती है, प्रोवाइड करती है, हमें अलग अलग रेगुलेशंस के बारे में बताती है. जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट फंक्शंस है जो हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, इंडिया की हमारी जो भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट हो, और जितनी भी ग्रोथ से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमें बताती है. सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सेबी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उनको रेगुलेट करना, उनको एक सही दिशा देना. नेक्स्टली, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले उनकी डिमांड ये रहती है कि हमारा पैसा सेफ रहे. ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में अगर हमें अपने पैसे की नीड पड़ रही है तो हमें हमारा पैसा वापस ना मिला, ये वाली बात आ जाती है ना. तो इसीलिए सेबी ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है उनको. नेक्स्टली, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट, उनको फ्रॉड से बचाने के लिए, किसी भी तरीके की गलत जगह से बचाने के लिए, मेल प्रैक्टिस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन द रेगुलेशंस. ये एक बैलेंस बना देती है जिससे कि लोग फ्रॉड से बच जाते हैं. नेक्स्टली, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने के लिए, कि लोगों में होता है ना कि ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स जैसे होते हैं, लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि उनको अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनके लिए भी बेटर है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी बेटर है. फंक्शंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सेबी के फंक्शंस जो है, वो सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने से. दूसरा, डेवलपमेंट फंक्शंस है, हमेशा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बात हमें बताती है. नेक्स्टली, रेगुलेटरी फंक्शन है जो हमें टाइम टू टाइम सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है, बिजनेसेस को रेगुलेट करती है कि उन्हें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स और किस तरीके से उनको स्टॉक में वर्कआउट करना है. नेक्स्टली, अगर बात की जाए तो इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस में काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं. ये प्राइस रिगिंग को चेक करती है, देन हमें रोकती है कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें. इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट से हमें बचाती है, जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए. इन सारी बातों से हमें क्या करती है, सेव करती है. तो ये टॉपिक्स आपके स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेबी के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये टॉपिक आज इतने इस तरह से लिया गया है. तो वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए. और अगर आप स्किप करते हैं तो आपको जानते हैं कि स्किप करने के बाद आपको एक सही तरीके से क्लियर मीनिंग इसका पता नहीं चल पाता. तो आज हमने आपको बताया है सेबी के फंक्शंस के बारे में, देन हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए हैं सेबी के क्या होते हैं, और मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया गया है इन टॉपिक्स में जो आपको अभी तक हमने बताए हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. कोई भी आपका ऐसा टॉपिक जो आपको पहले मैंने बताया और आपको नहीं समझ में आया हो, तो अब तब भी आप मुझे कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. फिर मिलते हैं आपसे आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, जब आपका न्यू चैप्टर न्यू लेसन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे मार्केटिंग के बारे में, क्या होती है मार्केटिंग. तो मार्केटिंग आपका नेक्स्ट लेसन रहने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फिर मिलते हैं आपसे इसी आपके एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर. तब तक के लिए शुक्रिया.